जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO की भी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बारे में आपको अलग से वीडियो बना करके दी जाएगी ताकि आप इस फॉर्म को भी बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे, और उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि कैसे आपको कांस्टेबल ड्राइवर का फॉर्म फिलअप करना है। तो यहां पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक ओपन करते तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आप पूरी की पूरी जानकारी देख सकते हैं इसके एलिजिबिलिटी तक, जो कि आप लोग यहां पर मेनली ये जानेंगे कि आप लोग इस फॉर्म को 29 जुलाई 2022 तक भर पाएंगे। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में, जिसमें कि आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी भी दी है कि क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है और क्या क्या अन्य एलिजिबिलिटी है, तो ये सब जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर इसमें लास्ट में आएंगे और जो इंपॉर्टेंट लिंक का सेक्शन है अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले कभी भी एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली अपना यूजर नेम यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर डाल करके और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो डाल करके और ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। बट अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप उसको कैसे रिकवर कर पाएंगे, आप उसका प्रोसेस जान लीजिए, फिर आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप फ्रेशर हो तो कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको आपकी परमानेंट स्टेट सेलेक्ट करनी है, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय सेलेक्ट की थी। फिर यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर देना है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय इस्तेमाल किया था। देन आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर भी और ईमेल पर भी ओटीपी जाएगा, कोई एक ओटीपी यहां पर भर दीजिए, ये कैप्चा कोड फिल कर लीजिए और इसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देखने को मिलेगी, साथ ही यहां पर आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। आपका पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए मैं आपको बता दूं कि आपके पासवर्ड के अंदर एक इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और डिजिट रहना चाहिए, जो कि मैं यहां पर एग्जांपल के रूप में आपको दे करके दिखाया हूं। कुछ इस तरह का पासवर्ड यहां पर डालना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, देन सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और आप यहां पर होम पेज पर आ जाओगे। अब आपको यहां पर अपनी लॉगिन आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। अगर बात करें उन कैंडिडेट के बारे में जो कि एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यानी कि फर्स्ट टाइम यूजर है, तो उनको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहां पर नीचे न्यू यूजर रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर सबसे पहले ये पूछा कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस कर रहे हैं तो आपको आधार नंबर देना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अगर आपने पहले वाले ऑप्शन डू यू हैव आधार में नो किया है तो फिर आपको यहां पर कोई एक अन्य आईडी की जानकारी देनी है, कौन सी आईडी की जानकारी देंगे वो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर 2.A पर आइए और आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। इसके बाद इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आपने कभी नाम चेंज किया है, अगर हां तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपका जो नाम चेंज होने के बाद में हुआ है वो आपको 2D वाले सेक्शन में लिखना है। फिर आता है फादर नेम यानी कि आपको आपके पिताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए, इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहां पर वेरीफाई करना है। फिर दोस्तों आता है मदर्स का नेम यानी कि आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है, ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए, इसको आपको यहां पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो यहां पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले यहां पर आपको आपका ईयर सिलेक्ट करना है, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेनी है। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की जानकारी, तो आपने 10th किस बोर्ड के द्वारा की है आपको उस बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको जो आपका बोर्ड है वो दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर 10th का रोल नंबर देना है, ये बताना है कि कौन से ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है, दोबारा से सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से ईयर के अंदर पास की है, जेंडर आपका क्या हो आपको सिलेक्ट करना है, इसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको आपका नंबर देना है जो कि वैलिड होना चाहिए, इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी यहां पर देनी है, ईमेल आईडी को दोबारा से भर करके वेरीफाई करना है। आपकी परमानेंट स्टेट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है और ये सब जानकारी चेक करने के बाद नीचे सेव के ऊपर
क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल गई है। अब आपको क्या करना है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहां से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहां पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहां पर अब लॉगिन करना है। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहां पर एंटर करना है और जो पासवर्ड आपको अभी मेल मैसेज के माध्यम से सेंड किया गया है वो यहां पर डालना है और ये कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर क्या करना है, जो ओल्ड पासवर्ड मेल मैसेज के माध्यम से मिला है और यहां पर डालना है और फिर आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपका कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और एक स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट होना चाहिए। जैसे कि मैंने पासवर्ड बनाया जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस तरह का आपको पासवर्ड बनाना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो यहां पर डालना है और डालने के बाद ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी। आपको सभी को चेक करते हुए नीचे आना है और यहां पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आती है जिसमें कि आपको सबसे पहले आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो सेलेक्ट कीजिए, उसको दोबारा से सेलेक्ट करके वेरीफाई कर दीजिए। नेशनलिटी में आपको ए सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया ये सेलेक्ट करना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान हो सके, तो जो भी मार्क का निशान है वो यहां पर लिख दीजिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क का निशान नहीं है जो कि परमानेंट हो तो आपको नो मार्क लिख देना है। क्या आप विकलांग है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, अगर हां तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो आपको 14B के अंदर आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करनी होगी। नीचे आता है आपका यहां पर परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका स्थाई पता है वो यहां पर लिख दीजिए। अपनी स्टेट यहां से आपको सिलेक्ट कर लेनी है, उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको आपका पिन कोड डालना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है, अगर हां तो यस कर दीजिए और यस करने के बाद आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है। अब आपको यहां पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर दोस्तों आपको अगर इसका ड्राफ्ट प्रिंट लेना है तो आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर और ईमेल के ऊपर ओटीपी गया है, आपको ये एक ओटीपी यहां पर भर दीजिए, एक कैप्चा कोड फिल कर दीजिए और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखेंगे कि आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है रजिस्ट्रेशन और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। नाउ गाइज आपके सामने लेटेस्ट नोटिफिकेशन में कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट आ जाएगी। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद जो जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी वो जानकारी यहां पर दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि यहां पर 15 पॉइंट में आपसे पूछा कि क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस के, अगर हां तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है अगर आप फ्रेशर है। फिर यहां पर दोस्तों आपसे पूछा कि क्या आप सन यानी कि बेटे हैं रिटायर्ड डिक्रीज्ड पर्सनल एमटीएस ऑफ दिल्ली पुलिस के, अगर हां तो आप यहां पर यस कीजिएगा, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आपने रिप्रेजेंट किया है स्टेट को या फिर नेशनल लेवल को या फिर कंट्री को इन लेवल पर जिसमें कि आपने कोई भी स्पोर्ट्स खेला है, अगर हां तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहां पर आपसे पूछा है कि प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर यानी कि एग्जाम सेंटर के लिए आप किस लोकेशन को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तीन चॉइस आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इनको सिलेक्ट करते हैं। फिर ये सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर आपके सामने आएगा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हां तो यस, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना है। फिर नीचे आइए, यहां पर 20 पॉइंट में आपको आंसर करना है कि क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं। अगर आप एस सी एस टी ओबीसी है तो आपको छूट मिलती है, बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप एस सी एस टी ओबीसी है और अभी आप ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप यहां पर नो कर दीजिएगा, और अगर आप ओवर एज हो चुके हैं और आपको छूट चाहिए फिर आपको बताना कि आप किस कैटेगरी के तहत छूट चाहते हैं। तो मैं ओवर एज नहीं हुआ इसलिए यहां से नो कर देता हूं। फिर यहां पर आपसे पूछा कि क्या आप नेशनल कैडेट कोर्प्स यानी कि एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, अगर हां तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर आप यहां पर इसमें भी नो कर दीजिए यानी कि डबल वेरीफाई कर दीजिए। इसके बाद अगर आप यहां पर यस करते हैं यानी कि अगर आप 21 पॉइंट में यस करते हैं तो आपको बताना है कि आपके पास एनसीसी का कौन सा सर्टिफिकेट है। फिर आपसे 22 पॉइंट में पूछा है कि डू यू पोसेस डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो कि आपको राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई है, अगर हां तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है।
फिर यहाँ पर 23 पॉइंट में आपसे आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछी है, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपसे पूछा कि डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल, जो इस पर अप्लाई करने के लिए जरूरी है क्वालिफिकेशन वो 12वीं है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है स्टेटस, तो ये आपने पास कर लिया तो आप पास सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको बताना कि कौन से साल के अंदर आपने पास की है। आप यहाँ पर आपका जो स्टेट है बोर्ड की वो सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं यूपी सेलेक्ट करता हूँ। फिर आता है नेम ऑफ बोर्ड, तो यहाँ पर है बोर्ड ऑफ यानी कि किस बोर्ड से आपने की है। अगर आपका अदर है तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको यहाँ पर जो आपका 12th का रोल नंबर था वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आप यहाँ पर अपनी परसेंटेज मेंशन कर दीजिएगा। अगर CGPA के अंदर थे तो परसेंटेज को खाली छोड़ करके CGPA भर दीजिएगा। फिर आपसे पूछा कि क्या आपके पास हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस है, तो मैं यहाँ पर यस करता हूँ, क्योंकि ये जानकारी कंपलसरी है, इसके बिना आप लोग इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, किस इश्यूइंग अथॉरिटी के द्वारा आपका लाइसेंस जारी किया है, यानी कि कौन से जो आपके RTO होते हैं उस अथॉरिटी का नाम आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है। तो जो आपका फोटो है वो आपका 8 अप्रैल 2022 के बाद का लिया होना चाहिए। इसमें यहाँ पर दोस्तों आपका जो साइज है वो 20 से 50 KB के बीच में रखा है। तो चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और इसको अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, और सेम तरीके से आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा कि जो आपका फोटो है क्या ये आपने 8 अप्रैल 2022 के बाद में लिया है, तो मैं यहां पर इसको यस कर देता हूं। यस करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन है, आप यहां पर आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिएगा, और जो आपके सामने कैप्चा कोड है ये आपको फिल करना है, और फिल करने के बाद यहां पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है उन सभी का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आपको सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे आना है, और यहां पर अगर आप कोई जानकारी एडिट करना चाहते हैं, आपको लगता है गलत हो गई है, तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए, नहीं तो सबमिट करना है और यहां से ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो आपका फॉर्म है वो यहां पर सबमिट हो जाएगा। अब यहां पर आप यहीं से अगर प्रिंट लेना चाहते तो आप यहां पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके प्रिंट ले लीजिए। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनको यहां पर फीस जमा करनी होगी, जो कि आप लोग यहीं पर आकर के पेमेंट के सेक्शन में जाकर के अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं किसी भी माध्यम से। तो इस प्रकार से आप लोग दिल्ली पुलिस SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।